ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज से बातचीत होगी शुरू। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा संवाद। प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63% से अधिक हुई। अब तक 4,226 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य में रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से कोविड 19 जांच को दी मंजूरी। अब 15 मिनट में आएगी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट। और मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही है रुक रुक कर बारिश। अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों, प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिए किए गए इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 63.43% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 12% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 251 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,226 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक राज्य में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में मरने वालों का प्रतिशत 0.57% है, जो देश की तुलना में लगभग 2% कम है। इस बीच कल प्रदेश में 187 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,662 हो गई है। सबसे अधिक पूर्णिया से 22 मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 18, सिवान से 16, दरभंगा से 15, मधुबनी और पूर्वी चंपारण से 12-12, बेगूसराय से 9, सहरसा से 8, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण से 7-7, गया से 6, सुपौल और शेखपुरा से 5-5, किशनगंज, कटिहार और जहानाबाद से 4-4, बांका, मधेपुरा, नालंदा, सारण और अरवल से 3-3, वैशाली, नवादा, मुंगेर, जमुई और खगड़िया से 2-2 तथा पटना, रोहतास, अररिया, भागलपुर, कैमूर, समस्तीपुर, शिवहर और सीतामढ़ी से 1-1 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में रैपिड टेस्ट किट से कोविड 19 की जांच होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट से संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट 15 मिनट में आ जाएगी और इससे जांच क्षमता बढ़ेगी। इधर प्रदेश के 38 जिलों में 41 स्थानों पर कोविड 19 की जांच शुरू हो गई है। इनमें से 34 स्थानों पर ट्रूनेट मशीन के माध्यम से जांच की जा रही है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसे अनेक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनसे कोविड 19 रोगियों के लिए ICU बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर जैसी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की कमियां उजागर होती हैं। साथ ही कोविड 19 उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा अधिक धन लेने की भी शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS पैकेज दरें पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को स्थानीय निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ सलाह मशविरा करके उचित दरें तय करने का सुझाव दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को खासकर हॉटस्पॉट जोन में रहने वालों से कोविड 19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने का अनुरोध किया है।
अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें हम ये देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने लोगों से सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे, ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें, आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यमों पर मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि 21 जून को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सवेरे 7 बजे से अपने घरों से दुनिया के साथ योगाभ्यास में भाग लें। इस बीच आयुष मंत्रालय और प्रसार भारती मिलकर डीडी भारती पर योग की सामान्य क्रियाओं का प्रतिदिन प्रसारण आयोजित कर रहे हैं। यह सत्र सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होता है। रेलवे ने 4,450 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच गए हैं, अब बहुत कम मजदूर हैं जिन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाना है। प्रदेश में आज 5 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से 8,250 कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। इनमें से 4 ट्रेन उत्तर प्रदेश और 1 ट्रेन दिल्ली से आ रही है। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 20,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि से लेकर अब तक 4,54,000 विभिन्न योजनाओं के तहत 6,70,00,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,091 हो गई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,80,013 हो गई है, जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य में 400 करोड़ रुपए की लागत से बने विभिन्न सिंचाई परियोजना, सड़कों और पुलों का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार गंडक नदी पर बने 70 घाट पुल और लखीसराय बाईपास रोड का उद्घाटन करेंगे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास करेंगे। इस पथ के बन जाने से सासाराम में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। श्री रिजवी वर्तमान में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी आएगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कई महत्वपूर्ण फैसले अब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने के कारण लंबित थे। राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए राज्य के सभी 35 उप कोषागारों को बंद करने और उसे जिला कोषागार में शामिल करने का फैसला किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और ऑनलाइन राजस्व प्राप्ति प्रणाली की शुरुआत होने के बाद इन कोषागारों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उन्होंने बताया कि अब केवल जिला कोषागारों से ही काम होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चर्चित ऑटो टिपर खरीद घोटाले में निगरानी विभाग ने मेयर सुरेश कुमार, बर्खास्त कनीय अभियंता प्रमोद कुमार और भरतलाल चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मामले के 6 अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दायर करने के लिए निगरानी ने सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी है। संदिग्ध दिमागी बुखार AES से कल मुजफ्फरपुर के SKMCH में 2 बच्चों की मौत हो गई। AES से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के 1-1 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में AES प्रभावित 7 बच्चों को इलाज के लिए पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है।
प्रदेश के सभी हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। अधिकांश जगहों पर कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में उत्तरी और पूर्वी जिलों किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और सहरसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं 18 जून से कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से मध्यम बारिश होगी। दानापुर रेल मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। डीआरएम सुनील कुमार ने बताया कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट कर उन्हें इस राशि का चेक सौंपा गया। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी बम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 5-5 किलोग्राम के 4 आईईडी बम, 20 किलोग्राम विस्फोटक और 4 मीटर तार बरामद किए गए। श्री कुमार ने बताया कि कोबरा बटालियन बम निरोधक दस्ता की मदद से सभी बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। किशनगंज जिले के दीघल बैंक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई डकैती का उद्भेदन कर पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई राशि में से लगभग 18,000 रूपये, 8 मोबाइल फोन, वाहन और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरा से पुलिस ने एटीएम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र से अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4,36,000 रूपये लूट लिए। वहीं किशनगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक शिक्षक से 1.5 लाख रूपये लूट लिए। पटना जिले के पुनपुन, धनरुआ, पालीगंज में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गयी। वहीं रोहतास जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबकर 2 किशोरी की मौत हो गयी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा को प्रमुखता देते हुए लिखा है 6 जुलाई को होगा मतदान। प्रभात खबर ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है रोजगार के लिए बैंक दे लोन, हर पंचायत में खोलें शाखा। दैनिक जागरण की सुर्खी है नियोजन के पात्र नहीं होंगे डीएलएड करने वाले दिसंबर 2019 के सीटीईटी उत्तीर्ण। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज से बातचीत होगी शुरू। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा संवाद। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63% से अधिक हुई। अब तक 4,226 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य में रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से कोविड-19 जांच को दी मंजूरी। अब 15 मिनट में आएगी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट। और मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही है रुक रुक कर बारिश। अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।